सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। आज है मंडे, तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, बहुत टाइम के बाद। उसके लिए मैंने पानी और भी आलू बॉईल कर दूँगी। इसमें भी ले लूँगी आटा रोटी के लिए, तो आलू पराठे की रोटी है उसके लिए। ऐड कर दूँगी नमक, कर दूँगी ऑयल, अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, टेस्टिंग के लिए रखती हूँ मैंने थोड़ा टाइम। बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर ली हूँ बॉईल करके, अभी स्टार्ट कर। इसमें डाल देंगे ऑयल, जीरा, मिर्ची, लहसुन को मैंने अच्छे से पीस बारीक कर ली। मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी की बुक्की, लाल मिर्च की पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया जीरा पाउडर। ये मेरे पास पराठा का मसाला, आलू पराठे का मसाला, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। इसमें आलू ऐड कर दूंगी, इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड हो चुके हैं, इसमें जाएगा नमक, जाएगा अजवाइन, जाएगी कोथमीर। अभी तवा भी रख दी हूँ गर्म करने, आटा आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। ये रहा आलू का बैटर और अभी हम लोग पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को वाटी के जैसा गोल शेप में ले ली हूँ, ठीक है। फिलिंग को इस डो को मैंने इसमें भी फिल कर दी हूँ, अभी मैं इसको फिल कर रही हूँ। दबा देंगे सब साइड से, आटे को अच्छे से डिप कर लिए। हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, हल्के हल्के हाथ से, आटा शायद ज़्यादा लग गया है, कोई बात नहीं हो जाएगा। तवा मैंने गरम करने रख दी थी, मैं इसमें पराठा डाल दूंगी, फास्ट कर देंगे तवा और साइड से भी घी डाल देंगे। टर्न कर दी हूँ, अनदर बैक साइड टर्न कर दी हूँ और घी लगा दी हूँ, थोड़ा और घी लगा देंगे। अब हो चुका है रेडी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देख सकते, तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसा बना है अंदर से। अच्छा बना है माशाल्लाह, टेस्टी मोर। सो फ्रेंड्स, मेरी भी जोहर की नमाज भी हो गई है, फजर की भी कज़ा मैंने पढ़ ली है माशाल्लाह। हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा जो आलू के पराठे जो मैंने अभी बनाई थी और ये रहा केचप। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 3 और हम लोग जा रहे हैं दरगाह में हज़रत शमशुद्दीन
हज़रत सैयद शमशुद्दीन कादरी की दरगाह में जा रहे हैं, वो है कांजू मार्ग में। और इंशाल्लाह अगर मिला मौका तो हम लोग वहाँ से भांडुप भी जाएंगे गैबन शाबा की दरगाह पे। तो हमारे साथ बने रहिए, रास्ता बताएंगे आपको भी कैसे जाते हैं हम लोग। सो स्टे ट्यून। शमशुद्दीन चिश्ती बाबा व शहजादी रजिया सुल्ताना। हज़रत सैयद पीर गैबन शाह कादरी दरगाह पे हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं, और हम लोग को रिक्शा वाले ने बहुत 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 वहाँ से यहाँ आने में हम लोग को रिक्शा वाले ने पूरा घुमा घुमा के फाइनली इधर लेके आ गया। यहाँ पे कुछ है लगता है दरगाह में। बैठ जाओ हम पे तस्बीह लेके बैठ, मैं वजू करके आती हूँ। अभी असर की नमाज का टाइम हो गया है ना, पढ़ के निकलेंगे। सारी ने कदर पेश कर दिया है। इत्तर पेश कर रहा है। पहला कलमा पढ़ते बैठ। और ये सूर्य यात्रा
अभी तक थोड़ा क्लीन करेंगे जो आप इच्छा है। अभी कम से कम एक घंटा लाएगा नहीं, मगरिब की अजान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो गई, असर की नमाज हो गई, सूरह यासीन पढ़ लिए, माशाल्लाह बख्श दिए। मैं हमेशा हर दरगाह पे जाती हूँ तो सूरह यासीन पढ़ के जो भी दरगाह पे जाती हूँ उनके नाम से बख्शती हूँ। वहाँ पे हम लोग को नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे दरगाह का काम चालू था। तभी 5:30 हो रहे, अभी हम लोग निकलते हैं घर पे जाने के लिए। कोई ब्लॉग अच्छा लगा हो आज दरगाह की ज़ियारत का तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। और ये दरगाह की ज़ियारत आप लोग भी ज़रूर करने आना। इनका नाम है हज़रत गैबन शाहवली, ये है भांडुप सोनापुर में। फ्रेंड्स, हम लोग ने जो आलू पराठे लाए थे हम लोग नहीं खा पाए बिकॉज ऑफ दिस मंकीज, क्योंकि लोग हमारे हाथ से झपट सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग घर पे ही जाके खाएंगे। इतने सारे मंकीज हैं, इनके डर से हम लोग ने हमारे पराठे भी नहीं खाए। ये देखो यहाँ पे भी है, ये देखो ये देखो ये देखो, अरे बाप रे, ये तो इधर ही आ रहा है। मेरे साइड हो जा, मेरे साइड हो। ये तो कुछ भी खाने के लिए आते, पाव चावल खा रहे, लोग पाव नहीं खा रहे। लोग जा रहे भाव वड़ा पाव खाने के लिए, मैं सोच रही चाय भी पी लूं। हाँ, वड़ा पाव।